उसको सारे मेरे फ्रेंड्स छोड़ के आगे निकल गए हैं। भी एक व्यक्ति घोड़े से गिरा है, ये घोड़े वालों के लिए, घोड़े वाले क्या बोले यार, सीधा सुन तो ना क्यों घुस जाते हैं। बाप रे, उनका मतलब हुआ और घोड़े को वहीं छोड़े, जिंदा रहा था तड़प रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ एपिसोड का यह मेरा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप पहला पार्ट देखिए। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, गौरी माई मंदिर में हम लोग दर्शन करने के बाद नेचुरल गर्म पानी के कुंड में हम लोग स्नान करते हैं और निकल जाते हैं श्री बाबा केदारनाथ के मंदिर की यात्रा के लिए। नहाने के थोड़ा दूर चलने के बाद ही हमको मिलता है घोड़ा पड़ाव। यहाँ से ही आपको आगे यात्रा के लिए घोड़े मिलेंगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग पैदल ही यात्रा करें। और जो ये यात्रा होने वाली है यह टोटल 22 किलोमीटर की होगी और सुबह के 7 बजे हम लोगों ने ट्रैक चालू किया था। तो चलिए भोले बाबा का नाम लेके करते हैं यह यात्रा चालू। हर हर महादेव। तो यहाँ देख सकते हैं लोग कैसे मोटे तगड़े शरीर होने के बाद एक बेजवान जानवर को परेशान करते हैं, उसका वजन तक नहीं उठाया जा रहा। उसके बाद वो देखिए लोग कैसे बैठकर जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। अगर आप ऐसी यात्रा करते तो आपकी यात्रा बेफल है, कोई मतलब नहीं है आपकी यात्रा का। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने दोस्तों के साथ। यह पैदल यात्रा हमारी सुबह 7 बजे गौरीकुंड से स्टार्ट हुई थी और यहाँ हम अपने दोस्तों के साथ चलते हैं आगे भोले बाबा का नाम लेते हैं। हर हर महादेव। तो आ गया हूँ मैं अभी, जो यहाँ का मेन गेट है उसके आगे, और मेरे दोस्त लोग यहाँ मेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये यार पिट्ठू आ रहा है, पिट्ठू से लोग बात कर रहे हैं कि बैग रख देंगे हम लोग सब लोग अपने अपने। अब देखते कितना ही चढ़ रहा है इन लोग, सबकी एनर्जी भैया एक बार नारे लगा दो। ये लो, तो ऐसे ही हम लोग भोले बाबा का नाम लेते हुए आगे चलते जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो हम लोग को इतने बड़े ट्रैक को करने के लिए हम लोग को बल प्रदान कर रही है। तो ऐसे ही हम लोग बाबा का नाम लेते हैं और चलते हैं आगे यात्रा के लिए। हर हर महादेव। ये हमारे शुभम भाई कैसा लग रहा भाई, लग कैसा रहा है? थकावट हो रही तुमको? नहीं हो रही, तबीयत गड़बड़ है, बाकी चलने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना? तुम बताओ तुम्हारा क्या है? मेरे तो कुछ नहीं है, मैं भाई शुभम का साथ दे रहा हूँ। हाँ। उसको सारे मेरे फ्रेंड छोड़ के आगे निकल गए हैं। और अभी थकावट हो रही है? नहीं हो रही, थकावट हो रही है क्या, कभी इतना चला नहीं मैंने। हाँ। प्रॉब्लम तो होगी। तो चलो बढ़िया है यार, अभी तो एनर्जिक है मेरे दोस्त लोग। तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच जाते अपने पहले पड़ाव जो की पिट्ठू पड़ाव है। तो एक पॉइंट है जहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं और कुछ खाने पीने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। क्या खा रहा भाई? करिंदर नहीं, तरबूज। तरबूज, यस, ये तरबूज खा रहे हैं। और जस्ट मेरे सामने वो वहाँ पे अभी एक व्यक्ति घोड़े से गिरा है, जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन बैग, रेड बैग, ग्रीन कपड़े में, वो गिरे बिल्कुल मुंह के बल फट से। तो इसलिए यार अगर आप लोग आते हैं तो घोड़ा अवॉइड कीजिए। घोड़ा लेने से क्या है, एक तो उनके ऊपर इतने जुर्म ढाए जाते हैं घोड़े के ऊपर, दिन में 2-3 राउंड करवा देते हैं, इसलिए उनके पैर में इतनी दम रहती नहीं और हर जगह स्लिप होते हैं। स्लिप होने के बाद गिरते हैं। अभी जस्ट मेरे सामने एक व्यक्ति गिरा। आइए अगर घोड़ा अवॉइड कीजिए, पैदल चढ़िए। जो लोग की उम्र हो चुकी है बहुत ज्यादा वो ले सकते हैं, उनके लिए ठीक है, मगर नौजवान लोग देखिए, जैसे कि वो व्यक्ति अच्छी खासी बॉडी है, उसके बाद घोड़ा लेके चल रहे हैं हम लोग। ये है आपका पिट्ठू पड़ाव। पिट्ठू पड़ाव में आप लोग पिट्ठू पालकी में बैठ सकते हैं। तो अभी इसके बाद का जो पड़ाव है जंगल चेट्टी और उसके आगे भीम बली। पिट्ठू पड़ाव जो था अभी हम लोगों ने उसको पार किया, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके थे। उसका जंगल चेट्टी में कुछ देखते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और भीम बली के बाद ट्रैकिंग हमारी कंटिन्यू रहेगी। हर हर महादेव। हम लोगों ने पिट्ठू नगर के देखो, भाई लोगों ने जुगाड़ जमाया है
ऐसे करके हम लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दो भाई लोग अभी थक चुके हैं बहुत तगड़ा वाला। क्यों भैया, कैसा लग रहा है? बढ़िया, एक नंबर मजा, एक नंबर। थकावट बिल्कुल नहीं है? थकावट है, हल्की है, बिल्कुल है। अच्छा, और ट्रैक के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों को? खतरनाक है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये घोड़े वालों के लिए? घोड़े वाले क्या बोले यार, सीधा सुनते ना कि घुस जाते हैं, ना आवाज मारते हैं ना कुछ करते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी होती है ट्रैकिंग के टाइम में, घोड़े साथ में अगल बगल दोनों साइड चलते हैं। तो अभी आगे हम लोग अपने दूसरे पड़ाव जंगल चेट्टी में, यहाँ पे भी हम लोग बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कुछ खा लें, क्योंकि अभी सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। और जंगल चेट्टी से केदारनाथ टेंपल की दूरी है 16 किलोमीटर। अब जल्दी यहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे और सीधा हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं आगे, और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। और ट्रैक काफी हार्ड है यार, हालत खराब हो गई गर्मी, क्योंकि बहुत ज्यादा लग रही है। अक्टूबर मंथ है ये, गर्मी बहुत भयंकर वाली है। यात्रा के दौरान मुझे कुछ ऐसे देखने को मिलता है जो कि आप सभी को भी देखना चाहिए। ये बेजवान जानवर यहाँ पर तड़प तड़प के मर रहा था और इसके मालिक ने इसको यहीं पर छोड़कर चला गया। और अगर आप लोग भी आते हैं धाम यात्रा करने, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पैदल ही यात्रा करें और इन बेजवान जानवरों में अत्याचार और इनके पाप में भागीदारी ना लें। तो ऐसे रास्तों में आगे चलते हुए इन खूबसूरत नज़ारों का मैं मज़ा लेता हूँ और पहुँच जाता हूँ अपने तीसरे पड़ाव भीमबली। पहुँचने के बाद थोड़ा ही आगे हमारे गांव के बुजुर्ग लोगों को देखिए, ये पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। ये चार धाम यात्रा के लिए निकले थे और इनका ये आखिरी धाम था केदारनाथ। और ये हमारे यहाँ के और आज के नौजवान लोग घोड़ा पिट्ठू पालकी का उपयोग करते हुए। तो अभी हम लोग ने पार किया तीसरा और मेन जो यहाँ का एक पड़ाव है भीमबली। यहाँ से दो रास्ते डिवाइड होते हैं, एक जाते हैं खच्चर के लिए और दूसरा नॉर्मल लोगों के लिए। अभी मैं अप्रैल के टाइम में आया था, यहाँ पे खच्चर नहीं चलते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इस रास्ते में भी लोग ये घोड़े वगैरह लेकर के आ गए। और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी ये होती है, जो लोग यात्री हैं, जो लोग ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। और इनके जो खच्चर हैं, घोड़े हैं, अभी रास्ते में खच्चर मर रहा था, वो अपना छोड़ छाड़ के चले गए, उनका मतलब हो गया पूरा, कोई देखने वाला नहीं था, उनका मतलब हुआ और घोड़े को वहीं छोड़े, जिंदा रहा था, तड़प रहा था। ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप लोग आते हैं तो पैदल ही यात्रा कीजिए। और मेरा तो ये दूसरा है, दूसरी बार मैं आ रहा हूँ बाबा के दरबार, दो बार बुलावा आ गया है और मैं पैदल ही यात्रा कर रहा हूँ। धीरे धीरे चलते जाएंगे भोले बाबा का नाम लेके। हर हर महादेव। गिर गई। जानवरों को परेशान करेगी तो क्या होगा? उनको तो लगनी चाहिए पैरों में अच्छी तेजी से। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ घोड़ा पड़ाव, इस जगह के लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट घोड़ा पड़ाव। इसके बाद हम सीधा भोले बाबा के दर्शन होंगे। मैं और अतुल अभी ट्रैक करके आए हैं और सुबह 7 बजे ट्रैक चालू किया था हमने, उठ गए थे हम लोग 4 बजे, सीतापुर से हम लोगों ने अपना रूम छोड़ा और 7 बजे हमारा ट्रैक चालू हुआ था। और शाम के 7 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ घोड़ा पड़ाव। तो चलते हैं अब आगे। अतुल भाई कैसा लग रहा है? तो ये तुमने ट्रैक की है, इसके बारे में बताओ जरा लोगों को। ट्रैक किया है मैं तो, इसी यही सजेशन देता हूँ सबसे, कि जो पहले से एक्टिविटी करता हो फिजिकल वही आए, ऐसे नहीं कि कभी उठ के चल के आ गए। मेरे जैसे हाल होगा ये भाई, ये पालकी है, पालकी वाले से बोला भैया थोड़ी देर बैठ लेना, और बैठा है। फाइनली पहुँच गया क्या? पहुँच गया भाई, बता दिया। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, देव जप के बिना चले ये सांस
सारा लिया तमस मेरा नमो नमो जय श्री केदार। दोस्तों सुबह की राम राम और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज आपको घुमाते हैं केदारनाथ। ये है केदार वैली और केदारनाथ के आसपास में और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले घुमाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं केदारनाथ मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बाबा जी बैठे रहते हैं और मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं कुंड बना हुआ है। उस कुंड से बहुत सारे लोग को जल दिया जा रहा है। अगर आप भी आते हैं तो ये जल ले आना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों थोड़ा दूर चलने में हमको मिलती है भीमशिला। यह भीमशिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2013 में जो बाढ़ आई थी और एक शिला आकर मंदिर के जस्ट पीछे रुक गई, तब से इस शिला का नाम पड़ा भीमशिला। इसके पीछे एक कहानी है। महाभारत काल के समय जब पांडवों को स्वर्ग जाना था तो वह महादेव को ढूंढते ढूंढते केदार घाटी पहुंचे। पांडवों को आता देख महादेव ने अपना रूप बदल के बैल के झुंड में छुप गए, लेकिन ऐसा करते हुए भीम ने उनको देख लिया और अपना विशाल शरीर करके अपने दोनों पैर फैला लिए। सारे बैल डर के कारण पैर के बीच से भागने लगे, लेकिन महादेव ऐसा करते हुए देख वो जमीन में समाहित होने लगे। लेकिन भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ ली। उसकी पीठ का हिस्सा आज भी शिवलिंग के रूप में वहां पूजता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और वहां पर पांडवों ने शिव जी का एक मंदिर बनाया और उसकी रक्षा करने की कसम खाई। तभी 2013 में जो त्रासदी आई थी उस दौरान यह भीमशिला मंदिर के जस्ट पीछे आकर रुकी। इस वजह से पानी दो भाग में विभाजित हो गया और मंदिर को एक भी क्षति नहीं पहुंची। ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि। जब मैं आखिरी बार आया था तब मैं यहाँ पर नहीं आ पाया था, तो केदारनाथ मंदिर के सामने का रिकंस्ट्रक्शन शंकराचार्य जी ने ही करवाया था। और आप लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोपवे का काम चालू हो गया है। कुछ सालों में 2-3 साल या 5 साल के अंदर में यहाँ पे रोपवे की सेवाएं चालू हो जाएंगी। जो लोग आप ट्रैक करके आते हैं आप रोपवे से भी यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। तो हम सभी को भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं। अभी जस्ट अभी दर्शन करके आए हैं बाबा जी के। हर हर महादेव, जय जय श्री केदार। तो मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत अच्छी तरह हो जाने के बाद मैं और मेरे दोस्त यहाँ से जयकारा लगाते हैं और इसके बाद जाते हैं हम लोग भैरव जी के टेंपल। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ये भैरव बाबा जी का टेंपल है। और माना ये जाता है कि केदारनाथ अगर आप दर्शन करते हैं तो आपको भैरव बाबा जी के दर्शन करना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा जी के टेंपल और ये यहाँ से इस ब्रिज से ट्रैक स्टार्ट होता है और यहाँ से जाते हुए वो वहाँ पर है भैरव बाबा जी का टेंपल। प्रसादम यहाँ चल रहा है भंडारा और ये है मेरे सामने श्री भैरव बाबा जी का टेंपल। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है हमारा। और यहाँ से दिखती है पूरी हम केदार वैली, वो पॉइंट देख रहे हैं आप जहाँ वहाँ से रोपवे चालू होने वाला है। और यहाँ पे है शिव जी का टेंपल और ये है पूरी केदार वैली। यहाँ से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं भैरवनाथ जी का। और अभी अप्रैल के मंथ में जब श्री केदार बाबा जी का पट खोल रहा था पहले दिन में जब मैं आया था यहाँ ट्रैक करने के लिए, तो ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं यहाँ से पूरा बर्फ से लदा हुआ था। अभी तो सारा वेदर क्लियर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वो वहाँ पर है हेलीपैड, हेलीपैड से पूरी केदार वैली, वो सामने है टेंपल। हर हर महादेव। तो ये
रहा मेरा केदारनाथ का ब्लॉग। हैरावा जी का हम लोगों ने ट्रैकिंग किया, केदारनाथ की ट्रैकिंग थी 22 किलोमीटर की, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है। और ये 1 से 1.5 किलोमीटर का ये भैरवनाथ जी का ये ट्रैक है। अगर आप लोग आते हैं तो कुछ दिन पहले से आप लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ तैयार रखें, क्योंकि जो ट्रैक होने वाला है 22 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहीं पे होता है मेरा ये ब्लॉग ख़त्म। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी केदारनाथ आए हैं या फिर आना चाहते हैं और आप भोले बाबा को भागते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।